नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं रामाचंद महाविद्यालय, जहां पर ललित कला अकादमी द्वारा चल रहा है कला प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, मैं खुशबू। रामाचंद कन्या महाविद्यालय में आज पेंटिंग कार्यक्रम है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं रामाचंद कन्या महाविद्यालय, जहाँ पे पेंटिंग कार्यक्रम चल रहा है। जी, मैं डॉक्टर मृदुला त्यागी, रामाचंद कन्या महाविद्यालय से, और हमारा राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की ओर से ग्रीष्मकालीन कला शिविर 20 दिवसीय जो चल रहा है, इसका आज समापन है। और इसमें इस दौरान 20 दिन के दौरान बच्चों ने कई तरह की तकनीक और पेंटिंग बनानी सीखी, जैसे कि जल रंग में, तेल रंग में, एक्रेलिक में, चारकोल से, और बच्चों ने कैनवस पर, कागज पर तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाई। और आज हमारा इसका समापन है, तो समापन के अवसर पर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं दो कलाकार, मेरठ से अनस सुल्तान और मुजफ्फरनगर से शब्द का। तो ये हमारे बच्चों को एक अलग तकनीक इन्होंने सिखाई, क्योंकि बच्चे जो कक्षा में अपना कार्य करते हैं वो वाटर कलर और तेल रंग, ये दो कलर को जान पाते हैं। लेकिन आज हमारे बीच मेरठ से उभरते हुए युवा चित्रकार अनस सुल्तान जी ने एक जो नई तकनीक सिखाई, धुएं के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट चित्रण करना और उसमें से फिगर निकालना। डॉक्टर टीसी मठपाल, निदेशक रामाचंद कन्या महाविद्यालय देवघर। हमारे महाविद्यालय में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक महीने का एक कैंप लगा था चित्रकला प्रशिक्षण का। जो हमारी छात्राएं हैं, इन छात्राओं के अंदर जो प्रतिभा है उसको प्रोत्साहित करना, उसको बाहर निकालना, ताकि जीवन में उसमें शौक पैदा करना, इसके लिए एक माह का प्रशिक्षण हुआ, जिसे डॉक्टर त्यागी ने बड़े मन से इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। और मेरी छात्राएं से लाभान्वित हुई हैं। मैं इसके लिए डॉक्टर त्यागी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि मेरठ से आए हैं, वे एक बहुत बड़े चित्रकार हैं, कलाकार हैं। मेरी पूर्ण आशा है कि आपके माध्यम से हमारी छात्राएं अवश्य को सीखेंगी और अपने जीवन को उतारने का प्रयास करेंगे। आपका कहाँ से आए हैं आप और क्या सिखा रहे हैं इन बच्चों को? सर, मेरा नाम शुभ गुप्ता है, शुभ गुप्ता। मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मैं पोर्ट्रेट्स के द्वारा जो मन में भाव होते हैं उसको कैसे हम अपने पोर्ट्रेट से ही अपनी पूरी पेंटिंग में निकाल कर दिखा सकते हैं, वो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। कितने बच्चों को आपने सिखाया है? और अभी सीख ही रही हूँ। अभी सीख रही हूँ। हाँ, मेरा नाम खानतिया रफी है, मैं MA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। और अनस सुल्तान सर हमारे साथ मौजूद हैं आज मुख्य अतिथि के तौर पर। उन्होंने अभी हमें एक नई टेक्निक सिखाई है, जिसमें मोमबत्ती से एक अमूर्त चित्र बनाना सिखाया है, कि हम कैसे अमूर्त चीज़ों में फिगर निकाल सकते हैं और पेंटिंग का उसको रूप दे सकते हैं। और साथ ही अभी शगुफ्ता मैम सिखा रही हैं हमें पोर्ट्रेट बनाना चारकोल से, वो भी अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर रही हैं उसको। और हम ये इससे जान सकते हैं कि हम देखकर तो बनाते ही हैं, लेकिन जो हमारे मन में चल रहा है उसको कैसे व्यक्त करें, कैसे उसको रूप दें, कैसे उसको कैनवस पर उतारें। आज काफ़ी अच्छा मौका है। मृदुला मैम का बहुत आभार है कि मैम ने इतने बड़े आर्टिस्ट को हमारे बीच लाई और हमें उनसे रूबरू कराया। थैंक यू मैम। मैं साउथ इंडियन कॉलेज से हूँ, BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ।
पहले तो मैं सबसे पहले सिटी हलचल का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इसी की वजह से मुझे पता चल सका है कि यहाँ पर समर कैंप लगा है ड्राइंग का। तो सबसे पहले मैं उनका ही थैंक यू बोलूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप हमें इस तरह के न्यूज़ से अपडेट कराते रहते हैं और हमें पता चलता रहता है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। और उसके बाद सबसे पहले वृद्धला मैम का थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने यहाँ पर अच्छे से हमें सिखाया, और उसके बाद इतने बड़े आर्टिस्ट जो आए हुए हैं आज, सुल्तान जी, उनको बुलाया यहाँ हमारे बीच, और उन्होंने आज हमें कैंडल से कुछ शेडो सिखाए हैं कि उससे हम किस तरह से न्यू तरीके से हम उसको बना सकते हैं। कुछ न्यू टेक्निक्स उन्होंने हमें आज सिखाई हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, और बहुत ज़्यादा हमें उनसे कुछ सीखने को मिला है आज। और दूसरी बात, शगुफ्ता मैम आई आज, वो भी स्केचिंग सिखा रही हैं हमें, तो वो अपनी इमेजिनेशन से बना रही हैं, लेकिन हमें उनको देखकर ये फील हो रहा है कि हम भी किस तरह से अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, और किस तरह से एक आर्टिस्ट अपने दिल की भावनाओं को और जो उसके दिमाग में चल रहा है उस सबको कैसे कैनवास पर उतार सकता है। ये सब आज हमने इन सब से सीखा है। तो थैंक यू सो मच शगुफ्ता मैम, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम जोया गेज है, मेरा मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर आर्ट स्टूडेंट। हमें सर ने सिखाया है कि पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, उन्होंने स्मोक से पोर्ट्रेट बनाना हमें सिखाया, और हम वो वेस्ट कलर से बनाना सिखा रहे हैं, और ये मैम हमें पोर्ट्रेट बनाना सिखा रही है। सर, मैं रमाजन कॉलेज की छात्रा बी सेकंड ईयर। सर, आज हमारा समापन है राज्य ललित कलेरा का, और आज हमारे ये आए हुए हैं सर मेरठ से, उन्होंने हमें बहुत अच्छा तरीके से बताया है कि धुआं देकर पेंट पर हम किस तरह उसमें फेस निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सेट देकर, मैं बहुत अच्छा लगा। मैं आपका, मेरा नाम खानतिया रफी है, तो आप बता सकती हैं ये क्या चीज़ है? हाँ जी, हमें टॉपिक मिला था प्रकृति हमारी मित्र है, उसमें मैंने अपनी जो कल्पना है उससे ही ये पेंटिंग बनाई है। क्या नाम है आपका? अनुष्का वर्मा। तो अनुष्का वर्मा जी, क्या आप बता सकती है कि आपने पर्यावरण के विषय में ये क्या बनाया है? ये मैंने अपनी काल्पनिक दृश्य इस पर चित्रित किया है, ये वातावरण के ऊपर था ना, तो मैंने वातावरण के ऊपर पूरा पेड़ पौधे सब मतलब दर्शाया। इसके थ्रू आप लोगों को किस तरह से समझाना चाहती हो? कि पेड़ पौधे लगाएं, जनसंख्या आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है कि पेड़ पौधे लगाए जाए, तो इसलिए मैंने ये दर्शाया, अपनी सोच रखी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुरानी है, मैं रमाजन कन्या महाविद्यालय की बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ, और हमारा ग्रीष्मकालीन शिविर हुआ था, उसमें मैम ने हमारी बहुत मदद की, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से सिखाया हमें चित्र बनाना, और आज हमारे कॉलेज में गेस्ट आए हैं अनस सुल्तान और सगुफ्ता मैम, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से पेंटिंग बनानी सिखाई है। हमें एक टॉपिक मिला था पर्यावरण हमारा मित्र, प्रकृति हमारी मित्र, उसके थ्रू हमें कुछ बनाना था, तो मैंने ये सूर्यास्त का दृश्य बनाया है, ये मेरा टॉपिक। ठीक है, आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगी? जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी प्रकृति, बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रकृति हमारी बंजर होती जा रही है, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी बचाना चाहिए। अब 5 जून को पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं यही कहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, और दूसरों को कहने की बजाय हमें खुद लगाने हैं, क्योंकि हम दूसरों को जरूर कहते हैं पर हम खुद नहीं करते, हमें खुद करना है तभी दूसरे करेंगे। बस इसी नाम है आपका? माई साइज सामिया नाज। सामिया नाज, आप बता सकती है कि आपने ये क्या बनाया है और इससे आप लोगों को किस तरह से जागृत करना चाहती हैं? ये मैंने प्लांट छाया है, बड़े बड़े प्लांट है, इसकी प्लांट की मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं उसकी वजह से, ये बनाया। जी, आपका नाम? मैं रजबी, साउजन कॉलेज से बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। साउजन कॉलेज से बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा जबी, आपने जो पेंटिंग बनाई है, आप बता सकती हैं कि इससे आप लोगों को किस तरह से प्रेरित किया, इस विषय में बताइए कुछ। मैंने ये पेंटिंग इस तरह से बनाई है, जैसे आजकल हम सभी कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरह हमें इस प्रकृति को भी बचाना चाहिए। हमें मैम ने टॉपिक दिया था प्रकृति हमारी मित्र है, तो मैंने उसी को देखते हुए ही अपने मन की कुछ कल्पना इस पर उतारी है। इसमें मैंने यही सिखाया है कि पानी हमारा जीवन है, और आजकल धरती पर से कम होता जा रहा है, तो हमें ये बचाना चाहिए।
और मैं यही चाहती हूँ कि बस हम प्रकृति के साथ एक मित्रता वाला बिहेव करें, ना कि उनके साथ हम कुछ जानवरों जैसा सलूक करें। हम पेड़ काट देते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसका क्या कुप्रभाव हो सकता है, तो हमें पेड़ काटने से रुकना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, पानी का बचाव करना चाहिए। मैं जनता से बस यही कहना चाहूंगी कि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, पेड़ ना काटो, जल को बचाओ, संरक्षण करो उसका, तभी हम आगे जी पाएंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हमारा अस्तित्व मिट जाएगा।